सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस बार वह कोई सिम कार्ड या मोबाइल को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि जेल के अंदर कैदियों को गांजा उपलब्ध कराने वाले पुलिसकर्मियों के गांजे की सप्लाई करने को लेकर चर्चा में है। जेल में व्हाट्सएप के माध्यम से मांग के अनुसार गांजा, ड्रग्स, मोबाइल, कोल्ड ड्रिंक्स, खर्रा, सिगरेट आदि वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बदले में कैदियों से अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूलने की जानकारी एडिशनल सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने दी है। नागपुर शहर का सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि इस बार वो कई मोबाइल फोन या फिर सिम कार्ड को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि कैदियों को गांजा पहुंचाने को लेकर चर्चा में है। दरअसल 2 महीने पहले भी कैदी द्वारा मोबाइल, बैटरी और गांजा ले जाने के मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके लिए शहर पुलिस ने भी भीतर बंद अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सर्च ऑपरेशन भी चलाए थे। इतना होने के बाद भी जेल प्रशासन की नींद नहीं खुली। दरअसल जेल के भीतर से फोन भी ऑपरेट हो रहा था और गांजा आदि सामान भी पुलवाए जा रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जेल के रक्षक ही भक्षक बनकर सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 खुद जेल के रक्षक हैं। पकड़े गए आरोपियों में श्रीकांत थोराद, गोपाल पराते, राहुल मेंढेकर, अजिंक्य राठौड़ और प्रशांत राठौड़ का समावेश है। गोपनीय माहिती मिळाल्यावरून जेलमधून काही आरोपी जे आहेत, जेलमध्ये असलेले जे अंडर ट्रायल आहेत किंवा काही सजा झालेले आरोपी आहेत, हे जेलमधून मोबाईल फोनचा वापर करून त्यांच्या नातेवाईकांना फोन करत आहेत आणि SMS द्वारे काही माहिती पाठवून त्यांना लागणारे काही पैसे किंवा काही सामान किंवा काही नशा करण्यासाठी जी गांजासारखी नशेची जी आहे वस्तू मागवण्यासाठी ते फोन करत होते आणि मेसेज करून माहिती मागवत होते अशी गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर आमच्या डिटेक्शन क्राईम ब्रँचच्या टीम्सला ती माहिती देऊन त्यांनी त्याची गोपनीय चौकशी केली आणि चौकशीच्या आधारे अशी माहिती प्राप्त झाली की एक ज्या व्यक्तीचा फोन नंबर वापरत होते त्या व्यक्तीला याच्याबद्दल काही माहिती नव्हतं आणि त्याचा जो आहे दस्तावेज जे खोटे दाखवून आणि त्याचे दस्तावेज घेऊन सिम कार्ड घेण्यात आलं होतं आणि त्या सिम कार्डचा वापर करून जेलमधून फोन करत होते आणि तसेच काही जेलचे शिपाई जे आहे त्यांच्या मोबाईल फोनच्या मदतीने सुद्धा काही मेसेजेस आरोपींनी आपल्या बाहेर असलेल्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना पाठवले आणि त्यांनी त्या मेसेजेसच्याद्वारे मग जेलमध्ये काही व्यक्तींच्या थ्रू आणि त्या जेल शिपायांच्या थ्रू पैसे आणि गांजासारखी वस्तू पाठवल्यात अशी प्राथमिक माहिती मिळाल्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि ह्यामध्ये काही जे जेलमधील आरोपी आहेत त्यांना आरोपी करण्यात आलेले आहे आणि त्यांचे जे मित्र होते बाहेर त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना विचारपूस करून गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे आणि ह्या गुन्ह्यामध्ये ज्यांनी सहकार्य केले प्राथमिकदृष्ट्या त्यांच्याविरुद्ध पुरावा सापडला आहे। जेल पोलीसचे 2 जे आहेत जेल पोलीसमधील त्यांना पण ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि अटक करून आता न्यायालयासमोर पाठवण्यात येत आहे। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त के आदेश पर पिछले महीने ही सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन किया गया था। उस समय कुछ नहीं मिला था, लेकिन जेल में कैदियों को गांजा, मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाला रैकेट तैयार हो गया। इनमें जेल के 2 कर्मचारी भी शामिल हुए थे। इसके बदले वे कैदियों से मोटी रकम भी वसूलते थे, ऐसी भी जानकारी है। बताया जा रहा है कि जेल के 2 पुलिस कर्मी जिन कैदियों तक गांजा व अन्य वस्तुएं पहुंचाया करते थे, वे जेल के शातिर अपराधियों में से एक हैं। उन पर मकोका व MPDA की कार्यवाही शुरू है।